गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तरह हिमाचल भाजपा शासित राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ 15 साल तक जनसेवा वाला राज्य बनेगा। ये बात धर्मशाला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बुल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने कही। त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांग्रेस के मित्र जो आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि वीरभद्र शासनकाल में संवैधानिक रूप से 9 मुख्य संसदीय सचिव और 55 से भी ज्यादा निगम वार्डों के चेयरमैन 22 चेयरमैनों की एक विशाल रेजिमेंट स्थापित की थी। तब आर्थिक बोझ कांग्रेस को क्यों नजर नहीं आया? यहां तक कि मुख्य संसदीय व संसदीय सचिव को लेकर न्यायालय को दखल तक देना पड़ा। लेकिन जयराम सरकार ने जब कांग्रेस से आधी संख्या तक नियुक्तियां कर भी दी तो फिर हाय तोबा क्यों? कपूर ने कहा कि जेईई व नीट के परीक्षा पर कांग्रेस की राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने जेईई नीट की परीक्षा को आयोजित करने का जो निर्णय लिया था उसकी पूरे देश में प्रशंसा हुई है, लेकिन कांग्रेस ने उस निर्णय को भी न्यायालय में धकेल कर विवादास्पद बनाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का असफल प्रयास किया। लेकिन प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय को उचित करार दिया। बुल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने कहा कि 15 साल का प्लान लेकर आगे बढ़ रही भाजपा गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तरह हिमाचल भाजपा शासित राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ 15 साल का जनसेवा वाला राज्य बनेगा। ई विस्तारक योजना के तहत पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के 17 हलकों में जाएंगे और कार्य करने में असहज कार्यकर्ताओं की जानकारी ई डिजिटल पर अपलोड करेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर कपूर ने कहा कि कांग्रेस नेता जब जन्मदिन मना रहे थे तब क्या कोरोना भाग गया था? कपूर ने कहा कि 2022 के चुनाव में जनता पूछेगी कि कोरोना काल में कांग्रेस कहाँ थी। हिमाचल प्रदेश की दिशाहीन, मुद्दाहीन और नेतृत्वहीन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार के पिछले 28 वर्ष के ईमानदार व प्रगतिशील सुशासन को लेकर बुरी तरह बेचैन हो गई है। कांग्रेस के मित्र नित दिन एक तथ्यहीन, मैं कह सकता हूं उसको, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निगमों और बोर्डों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों की नियुक्तियां कर रही है। आप सबके ध्यान में है कि पिछले वीरभद्र सिंह की शासन वाली जो सरकार थी उसमें 55 से ज्यादा वो निगमों और बोर्डों के चेयरमैन और असंवैधानिक तरीके से जो उन्होंने चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी और पार्लियामेंट सेक्रेटरी जिनकी संख्या लगभग 9 थी उनकी एक विशाल रेजिमेंट तैयार करके प्रदेश पर एक आर्थिक बोझ लाकर खड़ा कर दिया था। तो कांग्रेस को वो क्यों नहीं याद है? हैरानी यह है कि उनको यह नहीं लग रहा पता कि हम जो आरोप लगा रहे हैं उसका अर्थ जनता में क्या निकल रहा है। अभी आपके सामने एक और घटना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जेईई की परीक्षा और नीट की परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय अपने मंत्रिपरिषद में लिया था और देश भर की जनता ने उस निर्णय की प्रशंसा भी की थी, लेकिन कांग्रेस वहां भी बाज नहीं आई। बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने के लिए कांग्रेस ने बिल्कुल संकोच नहीं किया। आज विशेष रूप से धर्मशाला में हमारा आने का जो मुख्य मकसद था वो आने वाले समय में मैंने तो हर जगह ये बात रखी है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष का प्लान लेकर आगे बढ़ रही है। जिस तरह देश के हमारे
भाजपा शासित अन्य राज्य, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, जिन्होंने जनता की सेवा में 15 वर्ष से ज़्यादा समय पूरा किया है, और ये हिमाचल प्रदेश चौथा ऐसा राज्य होगा जो पूर्ण बहुमत के साथ अपने 15 वर्ष जन सेवा के रूप में पूरा करेगा। और इस दिशा में हिमाचल प्रदेश का संगठन काम भी कर रहा है। ई विस्तार की योजना में हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता 17 ऐसे हलके हैं इस कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में, जहां पर वो एक एक महीने के लिए लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, और वहां पर बूथ स्तर पर जो हमारे त्रिदेव है, चाहे वो हमारे पन्ना प्रमुख है, चाहे हमारे बूथ के अध्यक्ष है, चाहे हमारे वो VLA है, जहां लगता है कि वो कार्यकर्ता आगे काम करने में असहज है या किसी कारण से निष्क्रिय है, उसको द्वारा से ई डिजिटल के माध्यम से मौके पर तस्वीर खींचकर उसके सारे जितने भी तथ्य हैं, उनकी जितनी भी जानकारी है, उसको अपलोड करके एक मजबूत योजना के रूप में संगठन काम कर रहा है।